हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज मैं ऐसे समस्या के बारे में बात करूंगा जिसका समस्या का समाधान उसी मैसेज में रहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति ध्यान नहीं देते और वो बहुत समय से परेशान रहते हैं या फिर कई दिनों से परेशान रहते हैं। हाल ही की बात है, जो अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा उसका, जो पिछले 3 दिन से परेशान था और उस मात्र उसको सिर्फ टाइम सेटिंग करना था। टाइम सेटिंग किस तरीके से करना रहेगा आगे की इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम कोई नया वीडियो डालें आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो समस्या आएगा वो कियोस्क के किसी भी पोर्टल में आ सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, चाहे SBI का हो, चाहे यूनियन बैंक का हो, चाहे कोई सा भी बैंक का हो। फिलहाल तो ये जितने भी TCS इसका सॉल्व कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन यही है रहेगा। जो इसका समस्या है यहाँ पर मेरे सिस्टम का नीचे में आप लोग टाइम देख सकते हैं और इनके सिस्टम का टाइम आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है और उसको सॉल्यूशन किस तरीके से करना रहेगा। इस वीडियो में मैं इस पर ही बात करूँगा, जो कि बहुत सा नॉर्मल स्टेप करके आप लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये जो बंदा है 2-3 दिन से परेशान था, मेरे को मैसेज कर रहा था, क्योंकि समय का अभाव रहता है इस वजह से देख नहीं पाया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो एरर आ रहा है टाइम लॉगिन ऐसा कुछ, ठीक है, पहले टाइम को अपडेट करना है। तो टाइम अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल में आ जाना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद जो टाइम सेटिंग करने के लिए आप लोग जनरली यूज़ करते हैं क्लॉक एंड रीजन, सॉरी यहाँ पर नहीं, क्लॉक एंड रीजन वाले में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन सेट करने के लिए आप लोग जो यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर नीचे में टाइम जोन जो इनका सही था उसको देख सकते हैं। अपने इंडिया का जो रहता है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली वाला, इसी को आपको रखना है। यदि आपके सिस्टम कोई दूसरा रहेगा तो फिर भी आपको इसको रखना है। उसके बाद आप लोग इंटरनेट टाइम में आ जाएंगे, उसके बाद चेंज सेटिंग में इसको क्लिक करके इसको इंटरनेट के साथ अपना सिंक्रोनाइज कर देंगे। चूँकि रिमोट मिल गया था तो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो मैं कुछ अन आर्टिकल था उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। चूँकि यहाँ पर आपको timedosswindows.com में आपको विंडोज़ अपडेट कर देना है, ठीक है, बस यहाँ पर अपडेट कर देना है। और अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका समस्या यहाँ से समाधान हो जाएगा। लेकिन इस केस में इसका जो है वो टाइम ले ही नहीं रहा था, तो आप लोग इसको मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। मैन्युअली अपडेट करने के लिए टाइम एंड डेट में आप लोग आ जाएंगे। टाइम और डेट में आने के बाद चेंज डेट एंड टाइम में आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं इनके सिस्टम में 16 बज रहा है, क्योंकि जो 24 घंटे के टाइम में देखेंगे तो 5 बज रहा, मतलब 17 बजना होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप अपने सर्विसेज में आ जाएंगे, कंट्रोल पैनल के सर्च बार में आप लोग सर्विसेज टाइप करेंगे। जैसे सर्विसेज टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर वेट करेंगे, कुछ समय तक लेता है। फिर आपको अपने जो मार्फो रहेगा उसको आप लोग कंटिन्यू 1-2 बार रीस्टार्ट कर लेंगे। जैसे 1-2 बार रीस्टार्ट करेंगे आपको मार्फो टेलीमेट्री सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसके बाद आप लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, नॉइज़ बहुत है चूँकि सड़क के किनारे शॉप है, इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 बार हमने इसको रीस्टार्ट किया, उसके बाद इसको लॉगिन कराएंगे। देख सकते हैं इनका टेलीमेट्री सक्सेसफुल वाला मैसेज आ गया, अब हम इसको लॉगिन करा सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग वापस से जो भी विंडोज़ आपका ओपन रहेगा उसको आप लोग फिर से क्लोज करके फिर इसको ओपन करेंगे तो आपका यहाँ से समाधान हो जाएगा जो भी समस्या रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो भी समस्या है इस तरीका का, यदि आपको समस्या आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और
समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करके भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इनका समस्या का समाधान भी हो गया और लॉगिन भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।